सर, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस फिल्टर पेपर को मैं पानी में डालूं और ये भीगे ना? क्या ऐसा पॉसिबल है? साइंस है, वैसे तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारे वीडियो जैसे आए हैं जिनमें कुछ इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल हुई है, पर देखते हैं। मैं इसको पानी में डालूंगा लेकिन ये भीगेगा नहीं के अंदर। अब मैं इसी ग्लास को डाल रहा हूँ पानी से भरी हुई बाल्टी में। देखिए, मैंने इसको पूरा अंदर तक डुबो दिया है, आप देख सकते हो। ठीक है, पूरा चला गया। यस, अब मैंने इसको निकाल लिया बाहर। अब निकाल लिया सर इसको एक बार आपकी चिमटी से। ये हमारे डिसेक्शन बॉक्स से निकली है और ये देखिए पूरा ड्राई है। जैसा का जैसा डाला था ऐसा का ऐसा ही निकला है ये बाहर। ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आया इसमें, क्योंकि ये तो मेरे हाथ से गीला हुआ है, उससे नहीं हुआ है। yes. है ना? ठीक है, क्योंकि इसका रीज़न भी बताएंगे हम। अब सेम प्रैक्टिकल हम करते हैं कुछ नकदी के साथ। कड़क चीज़ पर हो रही है। अब मैंने 500 का नोट लिया एक। ठीक है बच्चों, सेम 500 का नोट मैंने इस गिलास के अंदर डाला। ठीक है, करना वही है, वही काम ये करके देखिए। इसको उसके अंदर डालना है, पूरा अंदर तक हो गया। ठीक है सर, अब 500 का नोट बचेगा या नहीं ये साइंस बताएगी। निकालिए इसको, थोड़ा मैं जल्दी निकालता हूँ। क्या बात है, तो ऐसा का ऐसा ही कड़क नोट है एकदम, जैसा का हमने डाला हुआ था। ठीक है, बजा के देख सकते हो आप। तो क्या है इसके पीछे का रीज़न बच्चों? इसके पीछे का जो सिंपल सा रीज़न है वो ये है कि जो गिलास होता है हमारे, उसके अंदर जैसे मैंने इसको फिल्टर पेपर को डाला था, तो डालने के बाद में कुछ पार्ट जो बच गया था वो एयर ने इसको ऑक्यूपाई कर रखा था। और एयर की वजह से क्या हुआ सर इसमें, जैसे ही मैंने इसको अंदर डाला तो एयर की वजह से वाटर उसमें अंदर नहीं एंटर कर पा रहा था, क्योंकि कुछ स्पेस हवा को भी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हवा भी जगह लेती है, चाहे वो कहीं भी प्रेजेंट हो, उसको भी जगह चाहिए। अगर यहाँ पर मैं सेम एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं आपको, कि अगर मैं इस हवा को थोड़ा सा भी निकाल दूं, आप पास से आइए और इसको मैं निकालूं, तो देखिए आप बुलबुल देख सकते हो। अब यहाँ से एयर निकल गई है, इसका मतलब पानी अंदर एंटर कर रहा है। ये हमने बचपन में बहुत करा है, बाथरूम में बैठे बैठे। ठीक है, नहाने के बजाय अब हमारा ग्लास के अंदर पानी चला गया, क्योंकि एयर इसकी निकल चुकी है, क्योंकि स्पेस मिल गया एयर को निकलने के लिए। तो ये था इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस।